द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया आर द इंडियंस। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। हमारे इंडिया में इस समय एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का जो कॉज है, रूट है, वो हम हैं। हम ऐसा क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम किसी सोशल मीडिया पे किसी को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखते हैं तो हम बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं, लेकिन जब हमारा खुद का बच्चा कोई एक छोटा सा बिजनेस करना चाहता है, एक चाय की दुकान खोलना चाहता है, एक पकौड़े की दुकान खोलना चाहता है, एक चश्मे की दुकान खोलना चाहता है, एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहता है, तो हम कहते हैं इसे नौकरी नहीं मिली, ये अनसक्सेसफुल रहा, ये अच्छा क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए ऐसा करना चाहता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों नहीं एक बिजनेसमैन रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ सोसाइटी हो सकता है। क्यों नहीं आप अपनी बेटी की शादी करते समय, बेटे की शादी करते समय किसी बिजनेसमैन फैमिली को देखें और उसको एक रिस्पेक्टेड फैमिली देखें। ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा बड़े हो गए तो वो सब चोर हैं। एक्स पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज मैं आई डो नॉट वॉन्ट टू गो इन टू पोलिटिकल, वो वाई पार्टी को कहेगी कि ये लोगों ने इतना पैसा बना लिया बिकॉज ऑफ दिस, और वाई पार्टी एक्स पार्टी को कहेगी इन लोगों ने इतना पैसा बना लिया बिकॉज ऑफ दिस। आप समझते नहीं हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं, उनके दिनचर्या को समझिए, वो इंडिया के इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं आप सोच नहीं सकते। HUL ने कई सालों तक लोगों को गोरा बनाया। वो एक कोल्ड ड्रिंक आती है जिसको पीने के बाद आदमी बुलेट मोटरसाइकिल से उड़ जाता है, लेकिन वो सब अच्छा कर रहे हैं। अमेजन इंडिया में आके कुछ भी करे, ऊबर आके कुछ भी करे, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड बिजनेस। लेकिन अगर एक इंडियन जब ग्रो करके ऊपर पहुंच जाता है तो वो चोर हो जाता है। हमारे इंडिया में एक बिजनेसमैन जिसने पैसा बना लिया मेहनत करके, वो चोर है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का सोच ऐसा है। क्यों कोई बिजनेसमैन बनेगा और क्यों नहीं यहाँ के बच्चे बाहर जाएंगे, वो यहाँ क्यों रहेंगे, क्यों रहना चाहेंगे, आप बताइए, सोचिए। क्योंकि आप उन्हें जीने नहीं देना। अगर कोई अंबानी बन गया, अगर कोई अडानी बन गया, अरे क्या आप में से किसी ने अडानी की दिनचर्या देखा है? आप उनका कमिटमेंट देखिए, काम करने का तरीका देखिए, आपको सब चोर नज़र आते हैं, क्या करेंगे? क्योंकि कहते हैं ना, सब अंधों को सारी दुनिया अंधी नज़र आती, ऐसा होता है। आपने कभी बिजनेस किया, छोटी मोटी चोरी की, टैक्स बचाया, ये किया वो किया, तो इसलिए आपको लगता है सब बिजनेसमैन चोर है। हमारे यहाँ किसान देवता है। मैं जब ये बातें कह रहा हूँ तो मैं सारे बिजनेसमैन और सारे किसान को नहीं कह रहा हूँ। वो किसान जो लौकी में इंजेक्शन लगाता है, वो इंजेक्शन लगा के लौकी बड़ी हो जाती है, वो हमारे बच्चे खाते हैं, वो जहर से बच्चे जी रहे हैं, लेकिन वो किसान देवता है, क्योंकि हमारे समाज में किसान मतलब देवता। हमारे यहाँ चावल में इतना यूरिया फेंक दिया जाता है जो हम खा के हमें क्या किस तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, लेकिन किसान तो देवता है। हमारे यहाँ दूध में पशुओं को वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है जिसमें पशुओं के साथ क्या क्रूरता हो रही है, फिर उस दूध को बनाने के बाद कुछ लोग यूरिया भी मिला देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन किसान तो देवता है। जय जवान जय किसान, क्योंकि हमारे समाज में किसान देवता है। किसान इज गॉड और बिजनेसमैन इज चोर, ये हमारा समाज है। और फिर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ खूब एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट सरकारी, अरे कोई भी सरकार आ जाए एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। जब तक आप बिजनेस को एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं मानेंगे, जब तक आप बिजनेसमैन को एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल नहीं मानेंगे, तब तक आप समाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर ही नहीं सकते। जब तक आप अपनी बेटी की शादी करते समय, बेटे के शादी करते समय जिस तरह से एक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर की फैमिली को देखते हैं, उसी तरह एक बिजनेसमैन की फैमिली को नहीं देखेंगे। जब तक आपका बेटा अगर कोई बिजनेस करने लगे तो आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे कि हाँ बेटा तू कर, जो मामा चाचा बुआ कहेंगे उसे हम देख लेंगे। जब तक आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं आएगी, आप इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर सकते। कोई राहुल जी, कोई मोदी जी, कोई ममता जी,
कोई केजरीवाल जी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक सामाजिक विभाग, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज अ सोशल प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट पॉलिटिकल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको लगता होगा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये आपको लगता है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। हम जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रहा है, हमारे पास जितना मैन पावर है, ये मैन पावर हमारे लिए इन्वेंट्री है, ये मैन पावर हमारे लिए एक ताकत है। लेकिन वो मैन पावर अगर कुछ करे तो उसको आप प्रमोट करें। मैं अपना एग्जांपल, जिस दिन मैं सरकारी नौकरी में गया उस दिन मेरे मामा चाचा बुआ नाना सबके लिए मैं शांत था। जिस दिन मैं उसको छोड़ के प्राइवेट नौकरी में गया थोड़ा वैल्यू कम हो गई मेरी, समझ में सामाजिक वैल्यू कम हो गई। और जिस दिन मैंने प्राइवेट नौकरी छोड़ के बिजनेस में आया उस दिन तो मैं सोशली बॉयकॉटेड पर्सन हो गया, कुछ नहीं कर पाया होगा। इसलिए दैट इज़ अ थॉट प्रोसेस। आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग कि हाँ कोई किताब मैंने पढ़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से अर्निंग करे, आप चाहते हैं आपके पड़ोसी का बच्चा अच्छे से अर्निंग करे, तो बिजनेस करने वाले हर बच्चे की आप उतनी ही रिस्पेक्ट करिए जितना एक IAS के एग्ज़ाम क्लियर करने वाले को करते हैं, जितना आप एक नीट को क्लियर करने वाले को करते हैं, जितना आप JEE को क्लियर करने वाले को करते हैं। HUL इंडिया को आकर लूटे, बाहर की कंपनी Amazon इंडिया को आकर लूटे, Uber इंडिया को आकर लूटे, लेकिन वो सब अच्छे हैं, वो सब अच्छे हैं, मल्टीनेशनल। आपके बच्चे को उसमें नौकरी मिल जाए तो वो मल्टीनेशनल। लेकिन आपका कोई बच्चा कोई काम करे और एक HUL एक Uber बनाने की कोशिश करे और जब तक वो ना बन पाए तब तक वो अनसक्सेसफुल फेलियर पर्सन है। जब तक वो काम कर रहा है नहीं बन पा रहा है तब तक वो फेलियर है। और जिस दिन वो करके कुछ बड़ा बन गया तो उस दिन वो चोर है, क्योंकि अंबानी अडानी टाटा बिरला सब चोर होते हैं। कैसे समाज बनेगा? एज ए टीचर अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों को मोटिवेट करिए, पेरेंट्स को मोटिवेट करिए। खुद वो जो बच्चे, जब आपके स्कूल का एक बच्चा IAS बनता है आप बोर्ड पे उसका नाम लगा देते हैं, CA क्लियर करता है बोर्ड पे नाम लगा देते हैं, एक बच्चा बिजनेस करता है उसके लिए आप क्या करते हैं? आपके एरिया में अगर किसी ने एक अच्छा रेस्टोरेंट खोला, एक अच्छा होटल खोला, एक अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला, क्या आपने कभी किसी क्लास प्रेजेंटेशन में एनुअल फंक्शन में उसको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया, किसी स्पोर्ट्स डे पे उसको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया? नहीं बुलाया आपने। और फिर आप कहते हैं मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि आपके लिए भी IAS ही एक नौकरी है, JEE ही एक एग्ज़ाम है, NEET ही एक एग्ज़ाम है आपके लिए। फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? नहीं जनरेट होगा। अपने एरिया में आपका इल्मनाई एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, एक रिस्पेक्टेबल जीवन जी रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, उसको बुलाइए, उसको चीफ गेस्ट बनाइए, छोटे छोटे फंक्शन में, क्लास प्रेजेंटेशन में, एनुअल फंक्शन में, स्पोर्ट्स डे पे बनाइए। आप समाज में एक बदलाव लाएंगे, और जब आप ये बदलाव लाएंगे तभी हर पेरेंट चाहेगा कि मेरा बच्चा भी बिजनेस करे। इसकी शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए, इसकी शुरुआत प्रिंसिपल की सोच से होनी चाहिए, मैनेजमेंट की सोच से होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटर हेडमिस्ट्रेस टीचर्स की सोच से होनी चाहिए। सर्च करिए उस एलुमनाई डेटाबेस को जिसमें आपके स्कूल का बच्चा आपके एरिया में एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा है, वो कोई फ्रूट अंकल जैसे सब्जी की दुकान चला रहा है। आप उसे बुलाइए एज अ चीफ गेस्ट इन योर स्कूल, आप देखिए आप समाज में एक बदलाव लाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करें, उसमें लिखें कि वीडियो में क्या कमी है और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।